मैं ठीक लग रहा हूँ ना, एकदम हैंडसम सेक्सी। लड़की ये लो पड़ेगी। आप ये लो, आपके लिए मैं लेके आऊँ कुछ फेक है, ठीक है? देखो फेक है, अच्छी है अंदर। देखो आई एम गेटिंग काइंड ऑफ नर्वस, कम ऑन व्यूक यू कैन डू अरे भाई दिस, हम ही है हम कम ऑन व्यूक, यस ही दाते बायो। बिल्कुल। भाई। इस वीडियो के अंदर दो ओताकू जो भी बात करने वाले हैं वो सारी मजाक है और एनिमे से रिलेटेड ही है, तो सीरियस मत होना और एंजॉय। होमीज वेलकम बैक टू जय जी व्यूक, और आज हमारे साथ है वन ऑफ द ओजी बीवीएफ। यस भैया, आपसे मेरा एक सवाल है। पहले तो सबसे पहले एक यस सवाल है, सब कुछ छोड़ के आपकी या उम्र क्या है? मैं आपको भैया बोलूँ या आप मुझे भैया बोलोगे, पहले ये डिसाइड करते हैं हम दोनों बैठ के मैंने आज। तुमको बोला कि भैया मत बोलो भाई, आई आप एम अपनी 18 उम्र ब्रो, बताओ, उम्र बताओ। आई एम 18, आई एम अरे 18 18 कैसे ब्रो। हो आप? देख के क्या झूठ लगता है, बोल तुम रहे गेस हैं, ये करो, झूठ बोल रहे हैं। 18 18 कुछ तुम नहीं गेस है, करो, देख के क्या लगता है सच्ची। मुझसे तो बड़े लगते हो। व्हाट, तुम कितने हो? 22। हाँ ठीक है भाई, चलता है। आप भैया भैया मत बुलाओ यार, ऐसा लगता है कि चलो मतलब ठीक है, स्ट्रेंजर वाली फील ठीक आती है भाई, अपने भाई हो। है। भाई ने एज रिवील नहीं करी, कोई नहीं, आप बहुत कुछ रिवील करवाएंगे हमसे। चलो कोई नहीं, तो सबसे पहली चीज मुझे सुनना है, आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है? हो गई, एक कंटेंट की मार ली तुमने नहीं बताओ मेरी। आपका फेवरेट सब। एनिमे ऑफ ऑल टाइम। हाँ फेवरेट हाँ एनिमे ऑफ ऑल ऑल टाइम, ऑफ ऑल टाइम, कोई भी एनिमे मांगा किसी में से भी बताओ, कुछ भी। ओके इट्स वन पीस। वन पीस। ओके वन पीस, नाइस। मांगा भी वही? हाँ मांगा भाई, क्या चल रहा है अभी, मतलब तुमने मांगा तो रीड किया या पढ़ा, फिर मैं रीसेंट पूरा अपडेटेड चैप्टर्स? हूँ। मैं उसके स्पॉइलर देखता हूँ, मैं स्पॉइलर तो पढ़ता हूँ उसके। वाह, मैंने ट्विटर पे से स्पॉइलर्स को फॉलो करता हूँ, आते ही खत्म। मैं वीडियो रीसेंट भाई चैप्टर्स जब चल रहा है भाई, बहुत सही, एकदम वो बहुत सही चल रहा है वो। खैर अभी एनिमे तो बहुत स्लो चल रहा है, आपको भी पता है एनिमे कितना स्लो चल रहा है। वही उसके यार, वही अच्छा नहीं लगता है बस। वानो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी है और स्लो भी काफ़ी चल ही रहा है वानो। या लेट्स टॉक अबाउट सम एनिमे मूवीज जो इंडिया के अंदर आ रही एनिमे, हैं। एक तो आ रही ओके है जिसे आपने भी रिव्यू डाला था, ओपनिंग डोर्स, उज़ुमे नो राइट? तोजी मारी हाँ एक आ रही है ना वही अभी जो वही, एक तो वो आ रही है और अभी कौन सी आई थी, जे जे की आई थी एक तो, जे 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 का। जे हाँ डीमन स्लेयर भी, डीमन स्लेयर नहीं वो नहीं ड्रैगन नहीं वन बॉल, पीस फिल्म रेड, वन पीस फिल्म रेड, वो तो आप देखने गए थे, मैं देखा था आपका उसके अंदर या वो। एक तो दो एक तो मूवीज आ रही है इंडिया के अंदर, आपके हिसाब से क्या लगता है और कौन कौन सी मूवीज आनी चाहिए, या क्या मतलब एक तो बहुत डिले में आती है, जैसे जैसे बाहर तो उसी टाइम रिलीज हो जाती है, इंडिया के अंदर काफी डिले में आती हाँ है, महीनों बाद। वही ये आप। है। बट देखो लास्ट जो वन पीस रेड मूवी आई ना, वो हाँ मतलब सबसे फास्ट मूवी आई थी वो, एकदम इंडिया में, हाँ एकदम वो इससे तो है, वो काफी फास्ट एकदम जल्दी से आई अभी तक थी। नहीं आई। वो बाकी काफी चीजों को जितने काफी जल्दी आई कंट्रीज थी। से वहां पर भी नहीं आए थे, यूएस वगैरह, उससे पहले सबसे हाँ पहले हाँ आए थे, उनसे तो पहले आई वो थी मेरे ना को वही। बढ़िया लगा कि हाँ ला रहे। इसलिए देखो कि बंदे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इतना बढ़िया हाइप है अभी सब कुछ, तो तुम देख ही रहे हो आजकल क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से इन फ्यूचर मतलब आते जा रहा है जो भी मूवी हो। एक होता है कि लगता है हाँ ये मूवी थोड़ा पॉपुलर है, एकदम से आ जाती है। अब कुछ पहला जैसा पेटिशन वगैरह ये सब कुछ करने की जरूरत होती नहीं, हाँ पहले बिकॉज बहुत नाउ भी पिटिशन इंडिया होती हैज थी, एनिमे। वही वही पहले डाल लो कि भाई उठाओ आवाज, दिखाओ कि हम है, एग्जिस्ट करते हैं। सारे लौंडे अब बोलते थे भाई वही इस एनिमे के ऊपर वीडियो बना, इसको ला रहा है वही इंडिया में वही ये वही वही पर। वही मैं देखता था, बहुत यूट्यूबर बनाते थे कि जैसे साइन करो, उनको पता लगे कि हम यहाँ एग्जिस्ट करते हाँ हैं। एग्जैक्टली ये अब तो खैर इतना नहीं रहा, अब तो लोगों को पता है, बहुत हो चुका है इंडिया के अंदर। एकदम। हाँ एनिमे कौन होता है एनिमे, शायद, एनिमे वो थे ना कौन का वो। तो पता नहीं, ये मेरे को उतना आइडिया नहीं है एनिमे कौन। वैसे मैंने गया था अभी वहां पे हुआ था लास्ट ईयर बांग्लादेश के अंदर, इतना मुझे याद है। बांग्लादेश आपने में, वो देखा था या वो मीम, वहां था डांस कर रहा था गाने में, बांग्लादेश का क्लिप है वो। मेरे को वहां पे किसी ने इनवाइट या करा था, मेरे को एक फैन ने बोला था कि वहां पे हमारे यहाँ हो रहा है। मेरे तो मैं अभी तो आ नहीं सकता, पर मैं बाद में भाई चला गया था, वो बांग्लादेश स्वाद का आया था था भाई खत्म। वही। वहाँ बहुत अच्छी ड्रेस कॉस्प्ले करा था उन लोगों ने, काफी सही तुम्हें था गया था मेरा। वैसे, तुम कभी गए थे इवेंट वगैरह में? अभी एक यहाँ पे होना था कॉमिक कॉन, होना था वहाँ पे ओखला के अंदर, दिल्ली के थोड़ा पास में ओके यहाँ पे होना था, और यहाँ पे एनिमे का स्टॉल भी लगना था काफी सारा, मेरा प्लान था। बट मुझे पता लगा ओखला के अंदर हो रहा है, ओखला मेरे घर से 3 4 घंटे दूर है, बोला अरे नहीं यार अब क्या ही जाऊँ मैं इतना दूर। ऊपर से मैंने सोचा चलो वहाँ फैन मीट भी करेंगे, सब लोग कहते फैन मीट फैन मीट फैन हाँ मीट, मजे है, वही तो मजे मैंने कहा है। करेंगे। पता लगा उसकी एंट्री फीस ही 800 रुपये है, अरे मतलब मेरे फैन मीट यार चक्कर में कितने लोग 800 रुपये पे करेंगे यार, मतलब ये काम नहीं करने यार, ऐसे नहीं मैं तो करने। आ जाऊंगा, बाकी लोग कैसे वही आएंगे? मैं तो आ भी जाऊंगा, चलो ठीक है मैं चाहे एक दो का निकाल भी लूंगा और को, पर और लोग कैसे हाँ आएंगे, वही तो बात है। क्योंकि आठ बहुत लोग सौ कहते हैं, बहुत लोग आ सकते हैं, मतलब आ सकते हो ठीक है, बट वही तुम्हारा फिर पैसे लगेगा ज़्यादा, 800 टू मच ब्रो, नहीं वही नहीं ज़्यादा है वो। वही वो हाँ भी वही फैन मीट के लिए, इतना नहीं भाई, इतना नहीं, वही कोई नहीं इतना वो एग्जैक्टली नहीं। योर थॉट्स ऑन सोनी जे, क्योंकि आपने उनका सीजन 2 डबिंग देखा, हाँ देखिए जीरा सिंह की वॉइस देखी, यहाँ छिछोरे बाबा। मैं उनका फैन हो गया। मैंने उनका इंस्टाग्राम खोला, जिन जितने भी कर रहा है मैं उनको इतना देखा, उनकी मतलब जो जो भी कर रहे हैं, दमन नाम है शायद उनका, मैंने उनको देखा
बहुत सही कर रहे हो उनके सीजन टू के अंदर। आप खुद देखो, इताची का मुझे सही लगा, जीरा सेंजा देखा होगा बहुत सही था। और मेन चीज़ उन्होंने सेंसर नहीं करी था चीज़ें, मतलब जो वर्ड्स एग्जैक्टली कुछ कुछ वो ज़्यादा सेंसर नहीं हुए वही वही सीजन वन के अंदर। तो जितने मैंने सुना था आपसे भी, सीजन टू के मतलब टू आने से पहले सेंसरशिप को लेकर दिक्कत हो रही थी थोड़ी बहुत, पेरेंट्स कुछ कंप्लेंट कर रहे थे ना या लोग कि बोल रहे थे, वही मैंने भी सुना कि दिक्कत हो रही थी एंड वही ऑल मैंने कहीं देखा तो थोड़ा नहीं, और तो ज्यादा कि टाइम। पेरेंट्स ने कहीं वीडियो डाल लिया कुछ कंप्लेंट करा है, बट लोग बोल रहे थे कंप्लेंट हो रही है, वो मैंने देखा था लोगों को बोलते हुए चीज़ों के बारे में। तो और मैंने सुना सोनी मतलब एक यूट्यूब पे सुना था मैंने, सोनी अपने एनिमी बनाने की तैयारी में है अपने ये मैंने भी सुना, आई डोंट नो वही। कितना और श्योर है वो बट कह रहे हैं लोग मेरे ऐसे को दो बोल टाइप रहे के आएंगे, एक तो वो जो जैपनीज होते हैं उनके साथ मिक्स करके और अपने इंडियन मिक्स मिक्स करके कर करेंगे, और एक पूरा अपना इंडियन ही करेंगे इंडियन एनिमेशन के साथ। तो या आपके क्या थॉट्स हैं, आपको क्या लगता है कि हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाउ देखो कैन वी भाई एक्सपेक्ट? अभी ये थोड़ा मुश्किल है। सोनी ये देखो अभी जो कर रहा है ये देख के तो लगता है कि कर सकता है, इट्स वो तो पॉसिबल, हो है। सकता है जो चल रहा है। उनको पता है अभी कि हाइप है, फैंस है, जो बहुत दिखाया है क्रेज दिखा, हर एक सिंगल पोस्ट के नीचे बस नरूटो नरूटो भाई, स्पैम करते स्पैम गए कर देते लोग। हैं तो नहीं पता लगता फैन उनको तो बेस तो पता है है मार्केट है, बंदे हैं, अगर लाएंगे तो बेनिफिट्स होंगे बहुत एंड होगा। फैंस तो है ही भाई, बच्चों को पसंद भी आएगा ऑफकोर्स। तो इट्स लाइक इट्स अ गुड चांस कि ये लोग लाए एंड यू नो लॉन्ड एंजॉय करेंगे पक्का, जैसा बहुत भी हो यू नो लोग ऐसे इंजॉय करेंगे कि फर्स्ट टाइम आ रहा है कोई चीज, सपोर्ट हाँ करना भाई पड़ेगा इन वही, फ्यूचर और वो भी भी ज्यादा अपने है बोथ साइड इंडियन से। के इंडियन एनिमेशन बनाएंगे तो या भाई, मुझे भी वही काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारा वो है ड्रीम है एनिमेटर बनना बड़े होके, तो अगर ऐसे होगा भाई तो शायद उनको सपोर्ट मिलेगा, पेरेंट्स देख पाएंगे कि ठीक है कुछ फ्यूचर है इस चीज़ का, तो उनको भी शायद सपोर्ट मिलेगा उस बहुत चीज़ को लेके। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कर भी रहे ना, कितने अच्छे हाँ अच्छे क्रिएटर भाई एनिमेशन वो में। मैंने बहुत सुना है, तो नॉट योर टाइप है कोई, मैंने वीडियो देखी उसी पर बहुत नॉट योर स्पैम टाइप होता मैंने है। देखा, बहुत मस्त है भाई, ओके मैं बढ़िया देखूंगा काम कर कभी, रहा है। मैंने मेरे बहुत स्पैम होता है नॉट योर टाइप नॉट योर टाइप नॉट योर टाइप, मैं ठीक है मैं देखूंगा कभी, पर तो वही एनिमे और उनसे ऐसे फुर्सत कहाँ मतलब मिलती चल रहा है। है, बंदे यू नो इंस्पायर्ड होते हैं उन लोगों को देख हाँ के, भाई फिर खुद भाई स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे ही तो भाई ग्रो होगा भाई कम्युनिटी एंड सब वो तो कुछ। है स्टार्ट और ग्रोथ से। मेरे को याद है सवाल जो मैं पूछना था आगे आगे, पर अभी पूछते हो, क्या मुझे किसी इंसान को मतलब इंडिया के अंदर एनिमे चैनल खोलना चाहिए? क्योंकि मैंने ना इंडिया काफी के मैंने सुनो सुनो मैंने काफी लोगों से पूछा सवाल जो क्रिएटर्स हैं, मोस्ट लोग बोल रहे हैं नहीं एनिमे का चैनल नहीं खोलना चाहिए, बिकॉज बोल रहे हैं कि 90% ऑफ द चैनल्स नहीं चल पाते एग्जैक्ट वही। अब चल नहीं पाते वो तो मुझे ही पता है, पर आपसे सुनना चाहता हूँ मैं कि आप तो इतने बड़े क्रिएटर हो और आपने स्विच करा है, मैं वो देख के ना मुझे लगता है आपने ना, मैं अभी वीडियो देख रहा था कि आपने एनिमे पे कैसे आए आप, और आपने बताया था मीम रिव्यू के अंदर धीरे धीरे एनिमे घुसाया आपने ताकि लोगों यस को आदत लगे। एग्जैक्टली मैंने ये प्लान सुना, हाँ मैंने ये तो आइजन वाले बंदे पूरे, ये तो आइजन लेवल पे खेल रहे हैं, ये तो भाई मैंने कभी सोचा भी नहीं किया था कि कर सकता है, कि धीरे धीरे एनिमे को इंक्लूड करता कि ये लोग बड़े उनको लेके कि भाई ठीक है एनिमे आ रहा है इसके अंदर भी, तो ये वही बहुत सही वही था। तो आपके नॉलेज तो बहुत अच्छी चीज़ को लेके आपको जहाँ से आपने प्लान करा, तो आपके हिसाब से क्या चीज़ें हैं जो मतलब बेनिफिट कर सकती हैं अगर कोई कंटेंट क्रिएट शुरू करे, अगर वो चैनल एनिमे चैनल शुरू करे, एज्यूम करते हैं वो देखो शुरू कर भाई रहा है मांगा वगैरह की वो डालना एक्सप्लेनेशन वगैरह डालना, हाँ तो उसके हिसाब से वो क्या कर सकता है कुछ? मतलब मांगा के जो एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ वो करते हैं वो लाइक देखो भाई इट्स सो टफ बिकॉज तुमको पता भी वही कंपटीशन क्या है, जो बहुत एकदम ज्यादा कम्युनिटी है ग्रो होती है ना उसके साथ साथ कंपटीशन शुरू हो जाती है। कोई भी कोई मतलब कोई टॉपिक छोड़ना नहीं चाहता है, सब वही लोग वीडियो बनाता है, तो उनमें से ऑडियंस एज ऑडियंस उनको क्या पसंद आता है, कुछ यूनिक। अगर वही कुछ यूनिक करोगे तो एक बेनिफिट भी है एक बेनिफिट नहीं भी है। बेनिफिट ये है कि हाँ लोगों का अटेंशन वो मतलब लेता है आराम से चल जाता है, बट यहाँ पर थोड़ा यू नो एडिटिंग में ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा प्लानिंग में ज्यादा टाइम लगता है, यूनिक जब कुछ करोगे तो वहां से ना वो तुम्हारी कम हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है, वो भी दिक्कत है, क्वांटिटी भी चाहिए यूट्यूब पे। तो यूट्यूब इस साइड से थोड़ा यूट्यूब पे थोड़ा टफ है, बट अगर यू नो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है, तुम दे पाओगे, थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट रह पाओगे, तो इट्स हो सकता है, इट्स वो तो नॉट है दैट वो तो है, डिफिकल्ट बट या बट सिंगल क्रिएटर्स जैसे आप सिंगल क्रिएटर हो ना, मतलब आपकी तो आप सिंगल ही हो या टीम है आपकी कोई, या मैं अकेले या वही जैसे नहीं आप सिंगल हो मैं भी सिंगल हूँ, ऐसे हमें एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है इतना मैं बता सकता हूँ। मतलब मैं सेकेंड चैनल में एग्जैक्टली इतनी नहीं है, मैं सेकंड चैनल में जो बात करनी है उसे आगे पीछे करना है, मेन के लेके मेन में मुझे बहुत एडिटिंग टाइम लगता है, मैं लिटरली कल सोया नहीं हूँ, मैं मतलब आज सोया नहीं हूँ, मेरे को 48 आवर्स होने वाले, मैं सोया नहीं हूँ लिटरली, मैं रात भर बैठे एडिटिंग कर रहा था, मेन चैनल में मुझे एडिटिंग बहुत टाइम लगता है। तो एडिटिंग में तो यहाँ पर तुम्हारी टीम हो तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है,
जैसे बाहर के जो है, जैसे बाहर के जो एनिमे एनिमे ट्यूबर्स हैं, जैसे कि एक है डीप बॉल सर, कोई है आपने ये भी देखा उसको, वो थ्योरी वगैरह बनाता है और वो डालता है रिव्यू वगैरह, उसकी बहुत बड़ी टीम है, कितनी गलत लेवल एनिमेशन करते हैं वो, इतनी जल्दी निकाल देते हैं, मैं तो भाई कितनी टीम लेके बैठा है बंदा। मेरी बात हुई थी कुछ लोगों से, बोलो बोलो। अभी देखो यहाँ पर कोई बंदा अगर मतलब नया चैनल स्टार्ट करेगा ना, न्यू आएगा एनिमे के अंदर, तो वो तो टीम लेके काम नहीं कर पाएगा, वो अकेले करेगा, फोर्स शुरू में तो अकेले करेगा, थोड़ी बट देखो मेरी तुम्हारी बात, तुम्हारा उतना मेरे को मतलब वो नहीं। तुम क्या स्टडी कंटिन्यू कर रहे हो या फिर नहीं? नहीं मेरा स्टडी नहीं, मेरा ग्रेजुएशन मेरा तो देखो खत्म है मेरा। हाँ, तो मतलब मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मेरे पास पूरा टाइम रहता है, तो मैं आराम से बैठ के पूरे टाइम वीडियो बनाऊ जो करूँ तो टाइम मिल जाता है। बट अगर कोई स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, समझ रहे हो, कंसिस्टेंट मेंटेन करना, फिर सब कुछ स्टडी वगैरह एंड वर्क, तो वो दिक्कत मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा मतलब एकदम फुल टाइम है समझ लो। तो हाँ, आपका तो वही फुल टाइम है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको कंटेंट को लेके। या आराम से कोई मेरे को भी इतनी नींद तो नहीं है, मेरे को ऑफिस वगैरह जाना पड़ता है, मेरा थोड़ा हो जाता है, मैं बस नींद की माँ बहने को जाती है मेरी, बस और कुछ नहीं होता। दैट्स अरे मैंने तो तुमको सुनो सुनो, मैंने तो तुमको इंस्टा पे पहले ही बोला कि भाई एक बंदा डेली शॉट, डेली प्लान, डेली सब कुछ कैसे करता है। लाइक कभी कभार ऐसा होता है ना, मैंने 10-15 दिन रेगुलर वीडियो मतलब डाल के डेली, तो एक दिन सोचना पड़ता आज मैं क्या डालूं, कैसे क्या। तुम ऊपर से स्क्रिप्टिंग वगैरह करते हो ना, डायलॉग अलग अलग, तो वो थोड़ा टफ है, तो मैंने इसलिए तुमको इंस्टा पे बोला था कि भाई कैसे कर लेते हो ब्रो। कभी कभी तो हो जाता है कि मैं बैठे बैठे कुछ भी सोचता रहता हूँ और उनमें बातें निकल जाती है, मैं फटाफट लिख देता हूँ चीजों की, मैं भूल जाऊंगा, मैं लिटरली बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाता हूँ। मैंने आपका नाम याद रखने को भी 3-4 बार मैंने बहुत बार भूल गया था आपका नाम भी, मैं लिटरली BBF BFF मैंने कौन सा नाम था क्या था एग्जैक्टली, मैं भूल जाता हूँ बार बार, मैं बहुत चीज़ें भूल जाता हूँ। मैं कंटेंट जैसे मुझे आता है या तो मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, उसे लिख देता हूँ, काम खत्म, कहीं भूलने नहीं वाला आगे मैं। कोई लाइन भी है ना कुछ, मतलब कुछ लाइन है जो थोड़ी अच्छी लगी रोस्टिंग के अंदर, उसे भी लिख देता हूँ उसी टाइम, कहीं पे भी अभी भी हाथ पे लिख देता हूँ चीज़ों को मैं, मतलब छोड़ना नहीं है कुछ भी मुझे। तो गजनी 2.0 बन गए भाई, कुछ भी करता हूँ मैं कंटेंट के लिए, मुझे कंटेंट निकालना है सबसे अच्छा। तो मतलब वही है, अगर कभी नहीं होता तो कभी मैं खुद पे स्ट्रेस भी डाल देता हूँ खुद को लेके, कि सोच सोच अगर ये तो कटर बैठे तो क्या करेंगे, बात सोच क्या होगा आगे, तो कुछ ना कुछ हो जाता है, बस कर देता हूँ। वही है कि डेडिकेशन आ चुका, करना है तो करना है, सिंपल बात। अब देखो इतना कंसिस्टेंट होने के बाद जब थोड़ा फ्री में तुमको टाइम मिलता है, 2-1 दिन तुमको लगता है कि आज नहीं डालेंगे, तो तुमको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा खाली टाइम है अपन के पास, कुछ ना कुछ कर ही लेता है भाई, चल भाई क्या ही करेंगे। जब जैसे कि ऐसा होता है कि मैं ऑल्टरनेट वीडियोस डालता हूँ, तो मुझे काइंड ऑफ ना थोड़ा बुरा फील होता है, अगर मैं नहीं डाल पाता तो शॉर्ट नहीं डालते मेरे से, मुझे बुरा लगता है कि यार शॉर्ट क्यों नहीं डाला, ये क्या बात है यार शॉर्ट क्यों नहीं डाला है मुझसे, मुझे बुरा लगता है इसका। और वो लगता है हर दिन, जैसे कि आज मैं भी एडिट कर रहा था तो मुझे आज भी लग रहा था कि मैंने आपको 6 बजे बुलाया, मैंने इनको 6 बजे बुलाया, मैं खुद 7 बजे आ रहा हूँ, होता है ठीक है, होता है ऐसा, बुरा मत मानो तुम लोग, सुनो बुरा ऐसा होता है ठीक है। अरे यहाँ पे तो बिल्ली है, दो तो बिल्ली, नहीं तो बीच में एकदम कांड कर देती आप भी, दो तो बिल्ली है वैसे तो मेरे, 8 है भाई, 8 बिल्ली है भैया, आई हैव सो मेनी, हम बिल्ली बोल लेंगे, वी वोंट से एनीथिंग एल्स, और डार्क, हम कुछ और नहीं बोल, कुछ डार्क नहीं है, तो छोटी सी बात है यार, है तो ना होता है पॉडकास्ट में ऐसी बातें भी नहीं सकती, तुम लोग बताओ, सिंपल बात तो है, जनरल बताओ, चलो जनरली बताओ, अगर आपको प्रेफरेंस है, आपका फ्री हो आप, तो क्या प्रेफर करोगे देखना, एनिमे या मांगा? और सेम ही एपिसोड आ गया उस दिन, एज्यूम करते हैं, नेवर गोना हैपन, बट स्टिल एज्यूम करते हैं, फिर तो मांगा, तुमको पता है क्यों भाई, तुमको पता है क्यों? हाँ भैया, मांग में थोड़ा ज्यादा भी होता है, और मांग में ओडा सर की थोड़ी वो, ओडा सर की थोड़ा तो भी मजा आता है, वो तो है, वो तो है, बट सम टाइम मैं एनीमे भी देख लेता हूं, एपिसोड के अंदर में स्लो होता है ना वन पीस का, हाँ बहुत ज्यादा, टोई एनिमेशन अपने जाने जाती है स्लोनेस के नाम पे। मेन क्वेश्चन, ओके, इस साल आ रहे हैं काफी सारे एनीमे, जो नो काफी सारे सीजन वगैरह आ रहे हैं एनीमे के, हमारे डीमन स्लेयर, आपने डीमन स्लेयर मांगा पढ़ी है वैसे? डीमन स्लेयर की हां पढ़ी है आपने? मांगे मैंने उसकी कुछ हद तक पढ़ी है, मतलब जो अभी आएगी थर्ड आएगी जो मैंने वो तो पढ़ी हुई है, और मैंने सुना, आपने सुना ना उसके अंदर जो कौन सी थी वो लव हाशिरा ना, उसका एक सीन वो मतलब मैंने मांगे ना वो देखा वगैरह तो नहीं है, बट क्या मतलब सही में वो कट हो चुका है क्या, मतलब मैंने फेक न्यूज सुनी है सही में कट हो चुका है एनिमेशन के अंदर? देखो ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोवर्सी हुई है, आई डोंट नो फैंस के दिमाग में क्या चलता है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि हमको नहीं देखना, ये नहीं करना, ट्विटर पे चल रहा था बहुत ज्यादा, मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या मतलब क्यों नहीं देखना, तुम्हें
वही तो, वही तो। तुम वो देखते हो, क्या बोलते हो उसे, ओवा देखते हो, वो बीच वाले एपिसोड देखते हो, तुम्हें ये नहीं देखना वही यार, ये तो वही गलत बात तो, है, कैसे होगा भाई। ये तो चीटिंग है भाई। हम तो बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल दिखाओ। मैं तो जुजुत्सु कैसन सीजन 2, यस अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर एक नया कैरेक्टर आ रहा है, जिसने मूवी देखी हुई है ना आपने जुजुत्सु कैसन की, हाँ, मैंने मूवी तो देखी है पता नहीं उसके यार। अंदर कौन सा कैरेक्टर, नया कैरेक्टर आ रहा है उसके अंदर एक, इफ यू नो, कौन सा? जिसने गोजो की भी फाड़ के रख दी थी। अभी देखो भाई, सुनो, तुमने मांगा पड़ा है जीजे की जीरो मैंने जीजे को थोड़ा सुन। थोड़ा बहुत देखा है, और मैंने वो पढ़ी थी शिबुया आर्क, शिबुया आर्क आएगी ना भी आगे, हाँ आएगी आएगी, मैंने वो पूरी पढ़ ली थी, मैंने बहुत सही लगी। मैंने ओके गोजो, इट्स टाइम टू से बुरी गुड बात है, मैं बाय। बात नहीं कर रहा तुमसे, ओके मैंने नहीं पढ़ी। ठीक 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 है, सॉरी ठीक है सॉरी, कोई स्पॉइलर नहीं, कुछ कुछ नहीं हुआ उसको, सिंपल, कुछ हुआ नहीं उसको, बस ऐसे बोल रहा हूँ मैं, कुछ हुआ नहीं उसको, वो बहुत पावरफुल है, कुछ नहीं हुआ उसको, तुम सिंपल। एक्साइटेड हो? तुम एक्साइटेड हो सीजन टू के लिए? बाय मैं बहुत एक्साइटेड, क्यों? मैंने मैंने मूवी देखी, मैंने भाई ये कौन है, ये कौन है सेकंड, ये कैरेक्टर मतलब वो बहुत ज़्यादा सही होने वाली है सीज़न 2, अगर उसके अंदर शिबुया की इंक्लूड होती है बहुत सही होने वाली है, वो बहुत सही, मतलब जैसे कि कोई एनिमे को याद नहीं आ रहा जिसके अंदर ऐसा हो कि बहुत सारे लोगों को एक जगह पटक दिया हो कि जाओ लड़ो, काइंड ऑफ बैटल रॉयल, ऐसा उसके अंदर ऐसा होने वाला थोड़ा बहुत, काइंड ऑफ उसके अंदर ऐसी थीम है उसके अंदर थोड़ी बहुत शिबुया आर्क के अंदर। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके अंदर, अगर ऐसी सीज़न 2 के अंदर इसी आएगी तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, इफ इट ठीक है, हैपेंस, चलो, इफ इट तुमने मेरे को हैपेंस। थोड़ा यू नो हाइप हाइप कर दिया थोड़ा। बिल्कुल वो हाइप होने के लायक भी है वो एनिमे, वो एनिमे अच्छा है, वो एनिमे ना देखो उसकी जो वो है क्या बोलते हैं उसका बेस यूनिक नहीं है, कर्स या फिर ये चीज़ें यूनिक नहीं है, बट जिस वे में प्रेजेंट यूनिक करते हैं वो नहीं लोग वो बहुत सही है लगता है मुझे। चेन्सो मैन भी ऐसा ही है, चेन्सो मैन डेविल से वो चीज़ यूनिक सिमिलर। नहीं है, बट जो प्रेजेंट कराया गया है वो यूनिक है, जैसे कि आई हैव समथिंग ऑफ चेन्सो मैन, टटने हाँ टटने, अरे या और ये वॉल्यूम 5 भाई अब तक एनिमे के अंदर नहीं आया है, सही है भाई। मैंने ये ली, मुझे बहुत सही लगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सही, इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे सीन है जो मैंने बोला ओके, पर यहाँ पे भी सेंसर है, मुझे समझ नहीं आया, लाइक इफ़ यू वांट टू सी यू कैन सी, यहाँ पे भी सेंसर है, ये सेंसर क्यों है, मैंने मांगा में तो छोड़ दो वही तो मांगा, खरीद लिया पैसों से सेंसर देखने के लिए थोड़ी भाई, ना। चलो आप डिसाइड करो विच वन, वर्टिकल लिप्स है क्या? ये कहते डाक बात नहीं करनी, कौन डाक बात कर रहा है अब कमेंट करके बताओ कौन डाक बात कर रहा है, मैं तो चुपचाप बात करूँ, मैं तो बस सीन दिखा रहा हूँ, ओके तुम्हारी मजे लो करा रहा हूँ, बता। तुम्हें फायदा रोजी करा रहा हूँ, इनको देखो। अच्छा डिसाइड तो करो, वैसे इन एक एक तो माँ की मैं, और दूसरी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ अब तक एनिमे के अंदर, जिसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ अब तक एनिमे के अंदर, ये माँ की मैं। ओके, गोइंग विथ योर बॉडी पिलो। ओ बॉडी पिलो, बॉडी पिलो, यस, आपका तो दो 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 बॉडी पिलो है, आप तो और लकी हो दो मेरे तो से। बीवी है, वो जीरो टू। तीसरा है वो कब अबे आया? नहीं नहीं भाई, वो रेम की पोस्टर है। अच्छा मतलब तीन तीन कब आ हाँ गए यार, कभी एक तो 02 और एक बोहन कॉक है ना, कभी माके माके साथ, लाइक एक साथ यू नो हुआ कुछ, और डांट जाना है, लेकर जाना है, या फिर यहीं पर मुझे पता रोक तुम लोग सोच रहे हो व्यू के यूट्यूब की वीडियो है, कहाँ जा रही है, मेरा कोई नहीं यूट्यूब की वीडियो, आई नो गए। वैसे दैट, भी बंदा हमेशा योलो डॉलर साइन यू नो खा ही लेता है, तो इट्स नॉट समथिंग यू नो यूनिक। बिल्कुल मेरे लिए कुछ यूनिक तो नहीं है, $0 आर लव फॉर मी, यूट्यूब को बहुत प्यार है मेरे को, बहुत ज़्यादा, मैंने पूरी रात बैठ के वीडियो डाल ली, वो भी $0 आ गया, मतलब नाइस। अरे तुम्हारी वो क्रिसमस वाली वीडियो, जब तुमने वो स्टोरी दिया था ना कि मैंने पहले अपलोड किया था एंड ऑल, अभी आ रही है वीडियो, तब मेरे को लगा था क्या ये योलो डॉलर वाली कुछ आई। तुमने स्टोरी लगाया कुछ दिन पहले, हाँ तुम्हारे मतलब हाँ लेट हाँ वीडियो डाला अगर आप तुमने। वीडियो चेक करो ना तो उसके अंदर वीडियो होती है आज अपलोडेड, उसके अंदर मेरा पिन कमेंट है 3 दिन पहले का, क्योंकि मैं उस दिन कमेंट कर देता हूँ जब जिस दिन अपलोड होती है, जैसे कि मैंने आज वीडियो डाली है मैं कमेंट कर दूंगा, मैंने आज अराउंड 10 बजे डाली थी और अब तक ठीक नहीं हुई है वो, मुझे पता 3 दिन में ठीक होगी, चांस है कब तक ठीक हो पता नहीं, लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ इज दिस कमेंट 3 डेज अगो, मतलब इतना तो समझ लाइक जाओ, अब तो दिक्कत है, अब तो तुम्हें भी दिख रही है दिक्कतें हैं तुम्हारी हर वीडियो के साथ होता है सब। सीरियसली? हाँ शॉर्ट्स के अलावा कैसे कैसे मुझे नहीं, हाउ मुझे भाई? नहीं पता, मैं अगर अभी डालूंगा ना $0 आ जाएगा उसमें, अगर कुछ भी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं, अगर मैं ये मैंने ना लिटरली टेस्टिंग के लिए अपनी रिकॉर्डिंग ली, म्यूट कर दिया, बस फोटो डाल दी $0, मतलब अब मैं समझ चुका हूँ, इनको पता लग चुका कि ये इंसान है कुत्ता, इसी $0 पेल नहीं है ये वीडियो YouTube को समझ आ गया, छिछोरे बाबा। चिचोरे बाबा चिचोरे बाबा यार, चिचोरे बाबा से याद आया मुझे, क्या आपके पास क्रंची रोल का प्रीमियम अकाउंट, जो भी आपके पास क्रंची रोल का कुछ भी है?
ओके क्रंचीरोल। क्रंची रोल का हाँ हाँ नहीं भाई, मैं पायरेसी आपने उसमें करता हूँ। डीमन का हिंदी डब देखा है? डिमन क्या, डिमन डीमन स्लेयर स्लेयर का? का हिंदी डब देखा है आपने? हाँ उसके मैंने देखा किया है। आप डिसअपॉइंट कैसे नहीं हुए उससे? उन्होंने क्या करा उसके अंदर? ब्रीदिंग टेक्निक चेंज कर दी। आपने देखा वाटर ब्रीदिंग क्या कह रहे हैं? मैंने वो मैंने रिव्यू जल नहीं किया अभी शक्ति, तक। जल शक्ति, जल शक्ति कह रहे हैं वाटर ब्रीदिंग का। वो सन ब्रीदिंग को अग्नि शक्ति देगी मुक्ति। अब भाई मैं देखो भाई क्या बोलूं, मैंने एक डबिंग के बारे में बात किया था। लोग यहाँ पर थोड़ा वो हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा मैंने बोला था कि वो ड्रेसअप डालिंग की जो उसकी आवाज है ना, हाँ उसकी हाँ लड़की हाँ का हाँ ना मरीन की मारिन आवाज थोड़ी मारिन की तो मेरे है। को अलग लगी, उसके साथ नहीं गई थोड़ी बहुत। मैंने बोला पर कुछ लोग अच्छा लगता है नहीं लगता है, तो मिक्स थोड़ा रिएक्शन आ जाता है, समझ रहे वो तो हो। आएगा तो उसके ही। बाद से मैं डबिंग वगैरह रिव्यू नहीं करता भाई, कुछ जरूरत नहीं। मेरे को बीच में वो अच्छा लगा था, उसका नाम है फायर फोर्स की डबिंग भाई, उसकी काफी उसकी अच्छी तो लगी थी। साउंड इफेक्ट तो अलग लेवल पे जाते हैं। साउंड इफेक्ट अच्छी वो तो भाई, मैं कर सकता हूँ उसके, वो तो बहुत वो बढ़िया बढ़िया। है उसकी। और एक वो भी एक किंग वाला है ना, मैं नाम भूल गया उसका। मैं वो छोटे अलग अलग टाइप, अरे मैं नाम भूल गया अरे हाँ, उसका, रैंकिंग ऑफ किंग्स, वो रैंकिंग भी ऑफ बढ़ किंग्स। गया था। उसके एनिमेशन, उसके वर्ड एग्जैक्ट, अच्छा है, उसका डबिंग बहुत अच्छी मजा आ करी है रहा है। रणजी रोल ने। देख पर के लगता है हाँ डीमस भाई, हमको ऐसी डबिंग चाहिए। हाँ, पर उनकी डीमस लेयर उन्हें हगा हुआ है, लिटरली हगा हुआ उन्होंने। उनको पता नहीं, उनको कोई जरूरत नहीं थी चेंज करने की, मतलब लिटरली ऐसा है जो मैं भी कि सोचता हूँ ऐसे इतने चेंजेस करने की जरूरत नहीं ना, वही मतलब वही थोड़ा वही बहुत वो वही डाल दो, लोग वही समझ तुम्हें जाएंगे, लिटरली पहले से उठाना कनेक्ट है है। और उसे रख देना है बस। जैसे कि मांगा टू एनिमे होता है, तुमने मांगा पैनल देखा, तुमने उसे एनिमेट करा, खत्म बात। अब तुम क्यों उसे कबाड़ बना रहे हो? वो पसंद नहीं आया मुझे बिल्कुल भी यू एनिमे। क्रिटिसाइजिंग डेमन स्लेयर हिंदी डब, आई एम पुटिंग टाइटल, ओके वेट, मैंने डाला है, मैंने वो रिव्यू डाल डाला के है, रखा है फिर रिव्यू ठीक है डाला हुआ है भाई। अरे मैंने, मेरा अलग से भाई रिव्यू भाई डाला हुआ है। और लोगों ने उसमें कमेंट, मेरे पॉजिटिव दिया हुआ है रिस्पॉन्स कि हाँ तू सही कह रहा अच्छी, है, चेंज नहीं करना चाहिए था। और इनफैक्ट ये बात मैं ही नहीं कर रहा हूँ, जो उनके मतलब एपिसोड होते हैं उनके नीचे कमेंट कर सकते हैं लोग। बहुत लोगों ने कमेंट करा हुआ है कि मत चेंज करो नाम, मत खराब करो चीज़ को। कोई जरूरी नहीं है ना, भाई मत उन्होंने इतना करा है वो सब, चीज़, लोग पहले वो से कनेक्ट है ऑलरेडी, जो लोग देख रहे हैं वो कनेक्टेड हाँ है, वो वही वैसे ही चाहेंगे थोड़ा बहुत सिमिलर रहे भाई, इतना वही वही चेंज करने की जरूरत वही नहीं है मेन भाई। बात यही है। अगर कोई हिंदी डब या कोई जापनीज डब देख, मतलब जापनीज या फिर इंग्लिश डब देख के आए और कोई हिंदी डब देख के आए, उन्हें क्या बात होएंगी? सन ब्रीदिंग अग्नि शक्ति, मतलब क्या बात हो रही है इनकी यार? ये तो ना होता है, तो एक एक वो होता है ना सेम चीज रखो तो मजा आएगा ज्यादा। वर्ड ट्रांसलेट मार दिया, चलो कोई ना। हाँ वो मुझे बिल्कुल पसंद है। एक ऐसी जिसका आपने वीडियो बनाई थी, वन पंच मैन सीज़न 3, सीज़न 3 आने वाला ना? वो हाँ सीज़न आने थ्री आने या वाला है, या सीजन या थ्री आने वाला है। वही 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 आपने वन पंच मैन नहीं मांगा पढ़ी है? अच्छी बात, आपने नहीं पढ़ी। मैं पढ़ रहा था, मैंने ड्रॉप कर दी। मैंने भाई अब मैंने ज्यादा दो हो चुका चैप्टर है, देखा था शुरू के, बस मैंने अब और ज्यादा कुछ हो नहीं। चुका है। मतलब वो एक पंच में खत्म कर देता है ठीक है, वो अलग लेवल पहुंच चुका है, मेरा अब बिल्कुल मन छींक नहीं भी कर रहा मार है। रहा है हाँ, क्या चीज? छींक भी मार रहा है आजकल। वो यार ब्रोकन कर दिया उन्होंने। मैं यहाँ स्पॉइलर देना नहीं चाहता, बट लिटरली उसने बहुत ब्रोकन कर दिया। मतलब ऐसा है कि उसने ना बेइज्जती कर दी, काइंड ऑफ हर्ष होना एनिमे की। जो हार्डवर्क करते एग्जैक्ट, हैं, जो हार्डवर्क करते हैं उनकी बेइज्जती कर दी उसने लिटरली। इट्स गोइंग टू फार, समझ रहे हो, उसने एकदम टू लिटरली एक फार। ऐसा काम कर दिया जो एनिमे के अंदर लोग कर नहीं पाते, उसने ऐसा काम कर दिया बस। एक मैं छीक वाली बात भी नहीं कर रहा है, अलग ही बात है। एक तो मैं आपको स्पॉइलर नहीं देगा, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, आपको लोग स्पॉइलर ना दूं बस। हाउ एम आई डूइंग आई कैन दिस? फील यू ब्रो, आई कैन फील यू ब्रो। दर्द है मेरे अंदर, दर्द बाहर नहीं निकल रहा है। माखी माखो बुला, ओए विकी माखी माखो बुला, खिला, दर्द निकाल मेरे अंदर से। योर व्यूज ऑन दीज भाई लोग, इंडियन ऑडियंस, एनिमे इंडियन ऑडियंस, आपको क्या लगता है, सपोर्टिव है? बहुत ज्यादा, बिल्कुल, बहुत ये तो ज्यादा मेरे को भाई, एनिमे को लेके बहुत सपोर्टिव रहती हैं, एकदम। खासकर जो भी डालते हैं। बट कुछ होते हैं जिनमें कीड़े होते हैं हर चीज़ पे पॉइंट आउट करने के, उनको मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना आप कुछ कर देखो सकते हो। भाई अब ऐसा है भाई, अब जो भी कुछ कुछ क्यों ना आ रहे, जो भी आ जाए लोग क्रिटिसाइज वो करेंगे तो थोड़ा है, बहुत, वो तो है। तो लोग बोलते रहते हैं। मैं भाई कभी कभार अपने वीडियो में शांस बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं शांस नहीं है, शेंस शैंक्स है। है, वही वही मेरे को भी बहुत गलत बोलने पर वो है, मेरे को दिक्कत है। पर अब लोगों ने मेरी अडेप्ट कर चुके हैं, लोगों को पता है ये ऐसे ही हाँ बोलेगा, तो अब लोगों को दिक्कत नहीं होती कुछ हद तक। जैसे मुझे बहुत सही लगता है कि मेरे पे कॉस्प्ले कपड़े नहीं है इतने, बस सिर्फ मैं जो पहनता हूँ लोग उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। लोग कुछ नहीं बोलते कि तूने ये पूरा प्रॉपर कॉस्प्ले कर क्या, जिराए के लिए मेरे पास एक हेडबैंड है। लोग कुछ नहीं बोलते कि तू प्रॉपर कपड़े पहन, लोग उस पर खुश रहते हैं, तो ये बहुत सही वही लगता है। एग्जैक्टली तो हाँ, लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ एंड कर लेते हैं, सही है। यहाँ पर भाई देखो सपोर्टिव इंडियन फैंस है, ये तो ये देख के पता चल जाएगा, कोई मूवी वगैरह आ जाए वो लोग हर जगह स्पैम करना वही शुरू कर देते हैं, वही इंस्टाग्राम से लेके के वो लोग वही कॉपी पेस्ट डाल देते हैं कि ये आ रहा वही है, ये हाँ वही देखना है, जाना है। ये चीज, ये बिल्कुल सब देख के अच्छा लगता है कि भाई लोग मेहनत ऐसे कर रहे हैं कि उन लोगों को बेक किया जा रहा है, समझ रहे वही हो, हाँ। लोग रिटर्न ये अच्छा पुश लगता कर है रहे हैं देख खुद से के, चीज भी, है।
मेरे को भी बहुत लोग बोलते हैं कोई मूवी वगैरह आती है, जैसे मेरे को बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगर जब वो आएगी ओपनिंग डोर्स आएगी तो उसके लिए बनाओ वीडियो या फिर उसके लिए देखने जाना। मैंने बोला हुआ है जब भी आएगी मैं जाऊँगा, बता दूंगा, वहीं फैन मीट करेंगे, वहीं आग लगा देंगे, शेट फाड़ फाड़ करेंगे अच्छी तरीके से सिनेमा को, है ना, बता देंगे एनिमे फैंस ऐसे होते हैं, यानी कुछ नहीं करेंगे गाइस, हम अच्छे से जाएंगे मूवी देखेंगे, क्लैपिंग करेंगे अच्छी तरीके से, थैंक यू बोलेंगे जिस जो भी लेके आया, फिर आ जाएंगे वापस हम, ठीक है, कुछ उल्टे तक काम नहीं करेंगे, हम एनिमे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब ऐसा सवाल जो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि पूछना उनसे वो सवाल, फेवरेट वाइफ। फेवरेट वाइफ। हाँ तुमने डिसाइड कर लिया, एक ही वीडियो में आज ही देंगे, प्यार देंगे बहुत। बिल्कुल, मैं सब कुछ कंटेंट खींचने वाला हूँ एक वीडियो से ही, अलग से लंबा सा पॉडकास्ट निकाल लेंगे अच्छे से बात बात करके, लोगों को मजा आ जाए, लोग बोल रहे हैं मुझे लिटरली पिछले साल से कि पॉडकास्ट चाहिए हमें, हमें पॉडकास्ट चाहिए, तो किसी किसी को लेके आ, मैंने ठीक है लेके आएंगे, मैंने सोचा लॉन्डी मेरी स्ट्रीम पे जो करता है व्यू का वीडियो चला, भाई गेम खेल तो व्यू का वीडियो देख ले, मैं ना रिएक्ट वगैरह कर देता लास्ट में मुझे एक पता है, मुझे घंटे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। वही करते रहता है, जब तुम स्ट्रीम कर रहे थे ना उसी दिन मेरे को बोल रहे थे भाई व्यू लाइव है कुछ कर उसके साथ, मैंने बोला ओके चल कर ही मैंने लेते बाद में आज। आपकी स्ट्रीम देखी, मेरे बाद में लैस हुआ, इनका प्रैंक था साउंड वाला, मेरा यार मैं देता था वो उधर हो ना, साउंड नहीं आ रही, आ तो रही है वही आ नहीं रही है ना, क्या हो रहा है ये, बाद में रियलाइज हुआ कि ओके आई वाज प्रैंक्ड, नाइस प्रैंक, एग्जैक्टली। नाइस प्रैंक। हाँ आपने आंसर नहीं करा, फिर ड्राइव होगा, भाई मुझे लगा तुम भूल गए ब्रो। टेंशन ना लो गाइस, अच्छे से आंसर निकाल लेंगे हम। ओके इट्स वन यस, एंड ओनली, तुमको पता है ना, तुमने देख देख के रखा है भाई पर आप ऑलरेडी, दो दो पी लो यार, कंफ्यूज हो गए हम। दो दो। तुमको क्या लगता है कौन सा मेरे, मतलब मेरे को देख के थोड़ा लगता है ना बातचीत से, अगर वीडियो शीडियो देखते हो तो तुमको पता ही चल, देखो थोड़ा थोड़ा वन गेस कर वन लो। पीस फेवरेट है तो वो होनी चाहिए आपकी, क्या नाम था उसका, हमकॉक स्नेक प्रिंसेस हानकॉक, बट आपके पास पहले 02 भी है जो कि तो मुझे भी बहुत पसंद है 02, तो आई एम अ देखो बिट भाई जीरो कंफ्यूज्ड। टू मतलब वन पीस देखने से पहले मैंने वो हाँ लिया था एकदम से, बट जब वन पीस देख रहे हो ना 1000 एपिसोड की जर्नी जब वो एंट्री हुई, एंड देखो बुआ हैंकॉक की बात करे तो तुमने अगर देखा तो तुमको पता ही है कि भाई एक लौंडे के लिए पागल है, एंड टाइपी का जो वही हमारे वही लौंडे तो ऐसे ही चाहते हैं नो। वही। ओके, वी गॉट द आंसर, वी गॉट द आंसर गाइस, इस चीज को क्लिप बना के फैला दो हर जगह, फैला दो, फैला हमें दो पता लग भाई, चुकी बुआ है न्यूज हैंकॉक डोमिनेट कर रही है हर बोहन जगह। कॉक, अगली वीडियो में बोहनों का दूध निकालेंगे, चिंता मत करो गाइस, अभी हम भेज देंगे भाई को भी, चिंता मत करो, डार्क कौन कर रहा है? मैं तो अच्छी बातें बता रहा हूँ, दूध पीना तुम्हें पसंद नहीं है, आपको दूध पीना नहीं पसंद, दूध तो सब पीते हैं, दूध अच्छा होता है, कैल्शियम, बोन्स, पावर, ताकत, हाँ, तुम आई खा ले पसंद आ गया ये पॉडकास्ट में ये बोल रहा है भाई हेलो, मेरे तुम्हारा जाता है एनिमे में आएगा, भी तू पॉडकास्ट में मिलवा दे सुपर लोगों सीएन से। 4 है, चले चल उधर जाके बैठ, चल चलो उधर जाके बैठो, चलो नाउ लेट्स हैव अ रैपिड फायर क्वेश्चन, मैं रैपिड फायर पहले ठीक है। हूँ और हाँ मैं तुम लोग पहले बता रहा हूँ, बोला था इन्होंने मुझे कि मुझे पहले बता थोड़ा बहुत क्या होगा, मैंने कुछ भी नहीं बताया, तो मैं थैंक यू कर सकता, यो वेलकम, यो वेलकम, यो वेलकम गाइस, मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने शक्ल देख भी नहीं, अभी गुस्सा हो रहे होंगे शायद थोड़ा बहुत, वो ओके। नहीं 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 ओके रैपिड फायर ठीक है, रैपिड फायर ठीक है, भाई सुना दे रनगीकू, इतनी इतना फास्ट नहीं, थोड़ा स्लो थोड़ा स्लो चीटिंग थोड़ा स्लो थोड़ा चीटिंग स्लो थोड़ा चीटिंग, स्लो। रैपिड फायर है। ओके सुना दे रनगीकू, सुना दे नामी रॉबिन, नामी बोरूटो सारादा, सारा स्किप नहीं कर सकते दोनों ओके तो मतलब नारुतो की गलती को नहीं चूज करता कोई भी, ओरोचिमारु के अलावा किसी को पसंद नहीं प्लीज। है नारुतो की गलती, ये बहुत गलत बात है, बेचारा नारुतो की गलती, रिनेगान या ब्याकुगान, रिनेगन ब्याकुगन तो तुम्हारे पास ऑलरेडी आई नो, मैं शरीफ हूँ, आई एम ट्राइंग टू बी पोलाइट यू नो एकदम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ है, दो दो पिलो लेके बैठे हैं, बहुत शरीफ है, दो दो पिले उनके बाद दो दो पीछे उसका पोस्टर भी है, वो कह रहे हैं शरीफ है ओके अपना टाइम आएगा ओके चिल चिल। ओके हम फ्री उसमें थे, फ्री फायर कह रहा हूँ, फ्री फायर, ये तो फ्री फायर शुरू करी थी मैंने, कुछ समझ नहीं आया मुझे, मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैसी गेम है, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं देख मुझे रहा था जब रेड करने वाला था ना प्रैंक, तब मैं क्या कर रहे कि आपने बोला, आपको लगा कि अरे तू बीजेवाई पे आ गया, मेरा नहीं, मेरा बात नहीं शुरू रहा में था मेरे को फ्री लगा था कि फायर, बीजे मुझे लगा ही नहीं था कि ये फ्री फायर खेलेगा, बीजे मैं नहीं तो फ्री फायर है व्हाट द फक। मेरे को लोगों ने बोला कि उसमें आओ उसमें आओ, मैंने ठीक है आओ, मैं मजे में खेला था, मैंने आओ चलो खेलते हैं, मुझे पता नहीं वैसे भी डाउनलोड पड़ी थी वो, मैंने चलो ठीक है खेलते हैं कोई नहीं, चॉपर चौपर या यूसोप,
चोपा, टोनी टोनी चोपा, आपको चोपर पसंद है, ओके। आपको मतलब सोबे किंग नहीं पसंद, आपको मतलब सोबे किंग इतना नहीं पसंद इतना वो, या सोबे किंग ज्यादा पसंद है? नहीं, देखो अभी लाइक इट्स टफ भाई, इट्स टफ। अच्छा सोबे किंग, अच्छा उस अपनी सोबे किंग की बारी आ गई, सोबे किंग वर्सेस चोपर। चोपर को तो पता ही नहीं भाई कि सोबे किंग उस सब, वही वही तो हमें भी नहीं पता। सोबे किंग इज अ मिस्ट्री, वन ऑफ द मिस्ट्रीज, वन वो मिस्ट्री है ना, वही भाई बहुत बड़ी मिस्ट्री है भाई, स्पॉइलर मत डालना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को पता नहीं, मैं स्पॉइलर क्या दूंगा, हमें पता नहीं गाइस कौन है सोबे किंग, उनको भी नहीं पता। थ्योरी आएगा तो पता लग जाएगा, मे बी ऑर्डर अगर रिवील कर दे तो, वरना हमें नहीं पता, वरना हमें नहीं पता, वरना पता नहीं मास्क के पीछे कौन है उतना बढ़िया स्नाइपर, हमें क्या ही पता। ओके जोरा सांझी, लॉस्ट बॉय भाई, हर वर्स में जोरो जोरो। अच्छा आपकी मैं देखी थी अभी रिसेंटली, रील भी देखी थी मैंने आपकी, रील क्या था, माकी माया बोहन का था ना, 02, हाँ 02, माकी माया 02, जोरो आई आई या बेस्ट वाइफ ब्रो। आपने ड्रैगन बॉल देखा है वैसे? नहीं चल रहा है मेरा। अच्छा चल रहा है, तो गोकू या वेजिटा? अभी तक आए नहीं हैं, अभी ड्रैगन बॉल स्टार्ट हुआ, जी पर गया नहीं मैं, ड्रैगन बॉल चल रहा है। अच्छा उसके अंदर वेजिटा की एंट्री हुई नहीं होगी अभी, वो थोड़ी लेट होती है, शुरू में तो गोकू ही है थोड़ा बहुत, उसके बचपन की मेमोरीज वगैरह हैं उसके दादा के भाई। लोग मेरे को पागल करके रखे थे ड्रैगन बॉल दिखाने के, ड्रैगन बॉल मैंने सब देख के रखा है ना, ड्रैगन बॉल नहीं देखा, लोग बोल रहे वो थोड़ा वो है ना काइंड ऑफ ओजी है ना, मैं बहुत ज्यादा बिग थ्री उससे इंस्पायर होकर बने हैं थोड़े बहुत, मतलब उनसे उनकी इंस्पिरेशन लिया फाइटिंग वगैरह को लेके बहुत ज्यादा, सो इसलिए लोग बहुत बोलते हैं, मैं तो पूरा देखा हुआ है, मैं तो बहुत बड़ा फैन। मैंने स्टार्ट कर दिया, कितना बोलते थे चलो भाई स्टार्ट कर ही देते, जब ड्रैगन बॉल की बात आती ना तब मैं कुछ नहीं बोल पाता, बिकॉज सेफ जोन भाई, क्या बोलू बिना देखे, इसलिए मैं स्टार्ट कर दिया। कुछ बिना देखे बोल लोगे, लोग बोल रहे हैं कि ये क्यों बोल रहे हो ऐसा वो सब, तो वो बात तो है, मैंने तो यार देखा है, मैं तो ठीक है, मैं ये बोलता हूँ जो देखा है उसमें रिव्यू दो, जो नहीं देखा उसमें चुपचाप बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कुछ उठाता बोलने की। वैसे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है इस चैनल को लेके? चैनल मतलब गेमिंग या फिर ये एनिमे वाला? फ्यूचर प्लान देखो जैसे चल रहा है तो वैसे ही चलाना है, ऐसे कर रिव्यू वगैरह ही, रिव्यू फ्यूचर तो है ही समझ रहे हो, एनिमे का फ्यूचर है तो उस साइड से ये भी है ना, रिव्यू तो जैसे कर रहा है वैसे रिव्यू करते रहेंगे, एंड मेरा तो टारगेट ये रहता है जो नया एनिमे आता है ना ऑनलाइन, जो उसमें से कुछ अच्छा निकल जाता है तो उसको लेके मेरे को कुछ ऑडियंस को बताना होता है। अच्छा हाँ आपने ब्लू लॉग की वीडियो बनाई थी इतना मुझे याद है, वो आया था, हाँ मैंने देखी थी वो वीडियो भी। थोड़ा थोड़ा मार्केट में हाइप बना हुआ है तो लोग तो लोग बात करेंगे उस बारे में ऑब्वियसली, नहीं तो ना लोग जो पुराने हैं ना अभी एकदम जो अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छे नहीं, जो पुराने अच्छे एनिमे उसके बारे में बात करते रहते, तो नए एनिमे को लेकर उतना ज्यादा हाइप नहीं दिखाते, तो मैं ट्राई करता हूँ कि नया जो ऑनगोइंग एनिमे है, जैसे आपने मूवी के बारे में बात करी दो बार जब ने ओपनिंग नोट के बारे में बात करी वो भी है, और आखिर में देखा था चैनल है BBF करके जो खाली वही है रोस्टिंग वाला, खाली जो बंद है, बंद क्यों आओ आई वांट टू नो, मैं देखा 200 के 200 के 1 मिलियन, ये बंद क्यों है? बट रोस्टिंग का ना एक होता है, एक लाइफ में एक सबके स्टेज रहता है कि तुम उस स्टेज में जाके वो काम करते हो, तो तब मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करता, कोई अगर कुछ कांड करता तो थोड़ा वायरल चला जाता, मैं उसका मजाक मजी समझ रहे हो ना रोस्टिंग क्या करता है, समझ गया, मजाक मस्कराता है एंड ऑल, बट एक लाइफ में सबका कुछ ना कुछ एक हादसा होता है, तो मेरा भी कुछ हुआ है इंसिडेंट, फैमिली इशू हुआ तो थोड़ा छोड़ दिया, उसके बाद से एक होता है ना कुछ रियलिटी समझ में आती है कि भाई इन सबको छोड़ के भी कुछ आया, यू नो रोस्टिंग वगैरह छोड़, समझ गया मैं, तो 2020 में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो उसके बाद में लाइक मैंने सोचा कि रोस्टिंग नहीं करना है भाई, अब चैनल पे बहुत सारे लोगों ने आइडिया देखे व्लॉग कर लिए कर लिए, बट ये चैनल ना मैं रोस्टिंग के लिए थोड़ा यू नो एकदम से 2 साल मैंने इस पे मेहनत की रोस्टिंग, तब स्विच करके कुछ और दिखाऊंगा रोस्टिंग, जो ऑडियंस उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहे हो, जैसे भी मैं एनिमे बना रहा हूँ एनिमे के बीच में अगर मैं थोड़ा गेमिंग घुसा दूं लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे ही रख दिया कि हाँ, तभी आपने वो शिवडन स्ट्रॉन्ग फॉर्म में 2 चैनल में डाली थी, वो डाल देना दूसरे चैनल पर डाल दिया, लाइव करते हो आप, वही वही अगर आपको चांस मिले उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने का तो आप कौन सा कैरेक्टर बनना पसंद करोगे? जी 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 दिस डूड, वैसे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, नहीं फिर तो जाके तो कार्ड हो जाएगा, मैं ट्राई करूंगा ओबिटो, ओबिटो द ब्रोकन हीरो यार, ओबिटो नहीं यार, ओबिटो सिंपल यार, सिंपल लगता है ओबिटो, ओबिटो ने लास्ट में जाके ना मतलब हक दिया था, मैनिपुलेट हो गया था नारुतो टॉको जुत्सु, बट मैं नहीं होता, मैं बोलता बाहर में जाए टॉको। ओके ये सही है, ये थ्योरी अच्छी है, इसमें वटी वीडियो बन सकती है,
व्हाट इफ ओबितो वाज नॉट मैनिपुलेटेड बाय नारुतो। मैनिपुलेटेड बाय टोक्नोजुत्सु वैसे या हमने व्हाट इफ वीडियो देखी है, व्हाट इफ वीडियो व्हाट इफ के कुछ कुछ वीडियोस मैंने देखा है भाई, बहुत मैंने भी सारे कुछ देखा है। मतलब मतलब वो ना ये वो अपनी थ्योरी बना देते हैं काइंड ऑफ एक, कि अगर ऐसा नहीं होता ऐसा हो जाएगा। वो वाली वीडियो देखा कुछ टाइम से, मेरे होम पेज पे रिकमेंडेशन पे चल रहा है, व्हाट इफ नारुतो वो जो स्कूल है ना वो लेके अगर मतलब एकदम भाग जाता तो क्या होता, वो वाली हाँ वीडियो। ये अगामी, शायद अगामी नाम है उनका, शायद ये नाम है, पता नहीं उन्होंने क्या नाम है, पर वो वही बनाता है वीडियोस। मैं देखा है, मैं देखा था व्हेन नारुतो, व्हाट इफ नारुतो गेट्स द कर्स मार्क, मैंने ऐसे वो देखा था वीडियो। उसके अंदर पता नहीं शुरू में दिखाया नारुतो पावरफुल हो जाता है, बीच में नारुतो गायब हो गया। मैंने यार ठीक है तुम्हारी बान ले, तो व्हाट इफ ही है, व्हाट इफ ही चल रहा है, चलो कोई नहीं, व्हाट इफ वीडियो बंद कर देते हैं। व्हाट इफ 40 मिनट कितने सारे ऐड चलाऊंगा पता है, पहले पता है, पहले मुझे पता नहीं था कि ऐड खुद से प्लेस हो सकते हैं, पहले पता नहीं था मुझे चीज़ के पहले। अगर तुम लोग भी सोच रहे हो कि, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि क्या बातें हो रही हैं, तो अगर 8 मिनट ज़्यादा लंबी वीडियो होती है ना, तो अंदर खुद क्रिएटर ऐड डाल सकता है, और चांस होता है वहाँ पे ऐड आएगा या नहीं आएगा, वो चांस होता है, क्रिएटर खुद डाल सकता है। तो इसलिए कोशिश करता हूँ मैं भी कि 8 मिनट ज़्यादा वीडियो बन जाए और मैं डाल दूँ उसके ऊपर ऐड, क्योंकि मैं वैसे इतना कम डालता हूँ, थोड़ा हो जाए ना, थोड़ा थोड़ा कुछ खरीदना फिर हमें और कुछ भी। हाँ बताओ। यूट्यूब तो कोई ऐड डालने का देता है वैसे। ये बात तो ही डिप्रेशन वाली बात है। सिगरेट लेके आवेगी, ओ सिगरेट तो मेरा आता है, लाइटर लेके आवेगी, फूका जाए थोड़ी सी। मेरा पहले वीडियो ठीक होती है, उसके बाद मैं, जब मेरी वीडियो ठीक होती है ना, उसमें कुछ नहीं छेड़ता हूँ, लिटरली कुछ नहीं छेड़ता हूँ। मैं डर लगता है फिर खराब ना हो जाए ये, मैं वीडियो में थंबनेल डालता हूँ, मतलब बस आई पुल इट ऑफ, हमें कुछ नहीं करना, अब बस ये पब्लिक कर दूंगा, खत्म बात। तुम्हारे सेकंड चैनल पर भी क्या सेम प्रॉब्लम होता है या फिर नहीं? वहां पे होता है, अभी मैं मीम रिव्यू करता हूँ, ऐसे नहीं होता है, ऐसे वरना तो नहीं उस चैनल होता, का कुछ नहीं होता। वरना तो मैं नहीं, वरना तो मैं लड़ाई कर देता, मतलब ये गलत बात है भाई, यूट्यूब ये चीटिंग कर रहे हो तुम मेरे साथ, शक्ल पहचान नहीं तुम मैं लोगों ने जो भी मेरी बोलता हूँ वहां पर ये लो भाई। सालों ने एआई में फेस रिकॉग्निशन लगा दिया मेरा, ये वही बंदा मेरे आए को ऐसे दिखे लग रहा है, मारो साले गए, इसकी मारो, मार दो वही। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है सालों को। पर वही वही बात है, रिव्यू के बाद ठीक हो जाती है चीज़, क्योंकि कभी कभी डर लगता है मैं दिखाता हूँ, ऐसा ना हो कि इस पर आ जाए सिगरेट पीना सिखा रहा है बच्चों को, इसको बैन मारो निकालो, इसको नहीं एकदम रखना, वही मैं डर लगता है। यामी और सांजेंदर में इंक्लूड करता हूँ, अब ये ना लग जाए इसके नाम YouTube पे का मेरे। मतलब किड पॉलिसी बहुत बेकार है। मेरी रिमी वीडियो के अंदर बच्चे को हल्के से पुश किया, वहां पर मेरे को स्ट्राइक मार दी, पता है कम्युनिटी गाइडलाइन, स्ट्राइक स्ट्राइक मार दी कम्युनिटी गाइडलाइन। मेरा दिमाग उड़ गया कि भाई क्यों मीम रिव्यू के बीच में एकदम से, फिर उसके बाद से मैं यही रिमी वीडियो कुछ, करना यही बंद कुछ कर दिया। पॉइंट्स है कि मैं मीम वीडियो अब नहीं करता, मैंने पहले करें यही काफी, एग्जैक्टली उसमें ऑडियंस बड़े अच्छे आते हैं, मजा आता है लोगों को देखने में, कुछ हंसी मजाक का चीज लोगों को मजा या आता है, पर वही बात है उसमें येलो वेलो आ रहा है और फिर स्ट्राइक आ रहा है, चैनल पे इफेक्ट हो रहा है, तो क्यों ही करेगा हाँ, कोई अब क्रिएटर। ऐसे अगर रेगुलर बेसिस होंगे ना तो यूट्यूब को पता चल जाएगा कुछ गलत कांड ही करता है कि चलो वही इसको डाल वही देता है यही बात इसमें। मेरी, ये तो दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो तुम्हारी रेटिंग होती है यूट्यूब के ऊपर, अगर तुम्हारी कुछ 20 वीडियोस के अंदर तुमने ज़्यादा येलो डॉलर आ गए तो तुम्हारे रेटिंग कम हो जाती है, जो कम कि हो मेरी जाती है बहुत ख़राब हो रखी है। वो 90 दिन का देता है, मेरे 90 दिन के अंदर 134 येलो डॉलर्स हैं, माय गॉश 90 दिन के अंदर, बहुत 90 दिन में 134, तुम समझ रहे हो मैं कितना पावर अपलोड करा है मैंने वीडियोज़ को, जो गलत वीडियोज़ थी। तो वही बात है, और पहले तो मैं थोड़ा वीडियो में अब्यूसिव बहुत होता था, बहुत ज़्यादा, कुछ होल्ड बैक नहीं करना, पूरा फट डाल दो। अब तो मैं कहीं, अब तो बहुत कम, और हो रहा तो ब्लर कर दो, मतलब सेंसर कर देता हूँ उसको, अब मैं नहीं करता, नहीं, अब हम बन चुके हैं फैमिली फ्रेंडली, अब नहीं करता मैं सब काम। लॉन्डो को तो वही अच्छा लगता है ना, ऑडियंस को वही अच्छा लगता है, उनको तो हाँ वही वापस चाहिए। पता है उनको चाहिए, पर वही बात है उनको चाहिए, बिल्कुल सही उनको चाहिए, पर मैं उनको प्रेजेंट कर देता हूँ एज अ रोस्टिंग फॉर्म के अंदर, या थोड़ा मतलब अब्यूज ना करूँ तो ज़्यादा सही लगता है मुझे भी, क्योंकि थोड़ा वही है, अगर मैं कर रहा हूँ ऊपर नीचे कोई गुजर गया, सोच रहे हाँ होंगे क्या कर रहे हैं तेरे कमरे के अंदर, किसी को गाले दे रहा है ये, और मेरी गाले तो होती भी, सो घर में तो बदनाम हो ही जाऊंगा मैं, सो इसलिए छोड़ो यार गाली नहीं देनी, अच्छी बात करेंगे हम, ऐसे ही बातें करेंगे हम, देखेंगे अच्छा, प्रॉमिस। घर वालों का हाँ रिएक्शन क्या होता है जब तुम अलग अलग वो करते हो, कॉस्प्ले वगैरह जो भी करते हो कुछ? इसको लेके थोड़ी बात कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मेरी मम्मी से बहुत लड़ाई हो जाती है, मेरी मेरी पर्सनली मम्मी से लड़ाई हो जाती है, मतलब बात की लगी हो जाती है कि, और मेन बात होती है मेरे कपड़ों को लेके, मेरी मम्मा ऐसी है, मतलब मम्मी सबके ऐसी होते हैं, बिना पूछे चीज़ें कर लेती है, क्योंकि उनको पता है मेरा बच्चा ही है, पर मेरा ऐसा सीन है मैं रोज़ शॉर्ट बनाता हूँ, सो मैंने बोला हुआ है मेरे कपड़े नहीं छूने हैं, मेरे कपड़े नहीं छूने हैं। सम टाइम ऐसा मेरा ऐसा हुआ है, मैंने ठंड के अंदर भी 2 दिन पहले जोरों के कपड़े, गीले कपड़े पहने वीडियो रिकॉर्ड करी है, क्योंकि मुझे करनी थी,
वो धो देते मम्मी ने, मैंने निकाला उसको, थोड़ा करा जल्दी सूख सूख, पंखे में रखा सूख, कुछ हद तक पहना उसको मैंने ठंड के अंदर। सो ये स्कैम होता है मेरे साथ, तो थोड़ा हो जाता है कि कपड़ों को लेके बहुत होता है कि कपड़े इतने सारे हैं। मेरा मम्मी रोज रोज बोलती है कि तूने कपड़े बाहर निकाले रख दिए, उन्हें कुछ फोल्ड कर दे कहीं तो रख दे, बट बाहर टांग दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूँ उनको काम, इतना करना पड़ता है। वो तो होता है, थोड़ा आइटम को लेके भी होता है कि इससे इतना सारा सामान मंगा रखा है, हेडबैंड इतने सारे हैं, चश्मे मेरे पास 4 चश्मे हैं, मैं एक भी नहीं देता किसी को। पापा मम्मी घूमने गए थे पर मैं किसी को भी नहीं देखा चश्मा, मैंने अपना चश्मा लेके जाओ, मैं नहीं दे रहा, मैं रिकॉर्डिंग करनी जब गए, मैं नहीं दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग करनी यार, मैं चश्मा नहीं बोला, मैं भाई मैं वहीं से बुला लूँगा, मैंने वहीं से वापस आओ, वापस आओ, मैं चश्मा देके जाओ, मुझे नहीं पता। मैं ये मैं कंटेंट के लिए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कंटेंट है, सिंपल बात, कंटेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। देख लो लोंडो, लोंडो देख लो, लाइफ ऑफ अ क्रिएटर कितना पेन है, पेन सफरिंग बहुत। मादर सही कहता था, बिल्कुल सही कहता है मादर। वैसे आपका प्लान क्या, प्लान है क्या अगली वीडियो का, क्या करोगे, कुछ पता, कुछ आइडिया अगली वीडियो का क्या? मेरा फिर उसके ऊपर बातचीत करेंगे उनमें से। आज तो वैसे टोक्यो रिवेंजर्स का भी वो कुछ आ रहा है, फिर 10 तारीख को अच्छा हाँ वो भी आ रहा है, टोक्यो रिवेंजर्स पार्ट 2 का भी आ गया, वो आ गया ट्रेलर आ गया, मैं देखा था, काफी सही था। देखा आपने सीजन 1? देखा वैसे आपने उसका सीजन 1 तो देख के रखा है, आज एपिसोड आने वाला है सीजन 2 का, फर्स्ट एपिसोड आज 7 तारीख है। हाँ भाई का कौन सा नशा कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग व्यूक, और मैं सोया ही नहीं, क्या गुड मॉर्निंग मेरे लिए। वेल आपको सही लगता है एनिमे टोक्यो रिवेंजर? भाई देखो मतलब अभी ऐसे मैंने बहुत सारे एनिमे देख के रखा है ना, उतना भी कुछ नहीं है, मैं लिटरली कुछ फ्रस्ट्रेटेड हूँ। जो न्यूबीज है उनको कुछ ज्यादा यू नो आई डोंट नो क्यू, बट मैंने एक रील देखी थी, उसके अंदर ये था सेंडिंग एनिमे टू अ नॉन एनिमे वॉचर, और वो बताएगा कि क्या नाम रखना है एनिमे का, तो उसने टोक्यो रिवेंजर ही फोटो भेजी, तो उसे दोस्त ने रिप्लाई करा छपरी निवास। मेरा भाई मेरा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सारे अजीब से कलर वाले बाल, सारे अजीब से टैटू बना रखे हैं लोगों ने, ऐसे दिखते सारे सारे, बिल्कुल सही कह रहा है छपरी निवास। बट वही है, मुझे उसका ना ये पसंद नहीं आ रहा, गैंग्स हैं ठीक है, तुमने स्टोरी अच्छी बना रखी है ठीक है, अबे वो लड़की नहीं बचने वाली, वो नहीं बचेगी यार, वही तो, वो नहीं बचेगी, कितना बड़ा सिंप है वो, क्या नाम है टाकी मिची, सिंप की औलाद साला, वो नहीं बचने वाली, पता नहीं। सेम इवेंट रिपीटेड होता है ना, वो भी अच्छा नहीं लगता भाई, बहुत बार वो मरे ही जा रही है, पहले पता नहीं कार ब्लास्ट मर गई, फिर कार ब्लास्ट मर गई, सीजन 1 में 2-3 बार मर चुकी है, मरे जा रही है बेचारी, उसको 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 मिल रहा है सीधा, देखो नॉर्मली ठीक करने जाता है सब कुछ, सब कुछ वापस आता है, एंड जाके भी सब कुछ वो रोता रहता है, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है भाई। ये ऐसा होता है कि तुम्हारा ना वो होता है ना क्या बोलते हैं फिजिक्स, थोड़ी फिजिक्स पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, तुम घूम रहे की जगह पे आ गए, 0 डिस्प्लेसमेंट, देख रहे हो कैसे मैं फिजिक्स पढ़ाया था मैंने मेरे साथ साथ, ज्वाइन करो मेरी क्लासेस, क्या रखेंगे व्यू क्लासेस, फिजिक्स वाले को छोड़ो, व्यू क्लासेस पे आओ तुम लोग, फैन ओनली। वैसे आपने ब्लीच की मांगा पड़ी है? मांगा नहीं पड़ी है भाई, बट इसलिए तो एक्साइटेड है बहुत ज्यादा। मैं तो मैंने सर एक भी एपिसोड नहीं देखा अब तक, नई वाली का जो आ रही है 1000 ईयर का, क्योंकि मैंने उसकी मांगा पड़ी है पूरी पूरी, मैं वेट कर रहा हूँ एक बार खत्म हो जाए, मैं आराम से बैठ के पूरा देखने वाला हूँ, मैं नहीं उठूंगा, पूरा देखूंगा आराम से, मुझे नए एनिमेशन में देखना है। तुमने एनिमेशन तो थोड़ा देखा है ना कि कैसा मैंने है, हाँ मैंने पहला एपिसोड देखा बस, जिसके अंदर ईचो का इंट्रोडक्शन था, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन थे, पता लगा था सो सोसाइटी बारे। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि वो लोग खींच नहीं रहे हैं, आपको बता देता हूँ, जैसे कि 2 एनिमेशन वगैरह जो भी एनिमेशन करते हैं वो एक एपिसोड को या फिर 2 मांगों को कर देते हैं एक एपिसोड के अंदर, ये 3 या 4 को एक एपिसोड में कर रहे हैं, वही तो मैंने साइड से बहुत हर एक एपिसोड में ना अटेंशन बस बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी जल्दी चीजें होने वाली हैं, मुझे पता लगा जरा उसकी क्या बोलते हैं अपने बुड्ढे यामामोटो की बानकाई आ गई जांकन उटाच, इतनी जल्दी मुझे नहीं पता था जल्दी आने वाली हो, क्योंकि बहुत लेट आई है मांगा के अंदर, वो काफी एपिसोड बाद आई है वो, और अभी मैंने सुना वो भी आ गई, उनो हान और जाराकी की फाइट भी हो चुकी है या, मैंने सुना वो बहुत बाद में उसके अंदर, और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि उन्होंने एनिमे के अंदर अच्छा काम करा है। लास्ट टाइम अगर पुराना वाला देखा है ओल्ड एनिमेशन वाला, हाँ वो देखा है, उसमें तो फिलर ही फिलर, जय माता दी, उसमें तो फिलर, इसलिए तो वहां से एकदम से लोगों से एकदम बहुत सारे रिव्यू लेने के बाद यहाँ हाँ। पर बोला कि अब दिखाते हैं, अब नहीं डालना फिलर, अब नहीं डालने वाले, उन्होंने बड़ा अच्छा करा, उन्होंने ऐसे सीजन वाइज निकाल रहे हैं वो लोग ताकि फिलर ना ही आए। फिलर से याद आया हाउ इज बोरुटो डूइंग, फिलर मांगा की बारे में बात कर सकते हैं, बिल्कुल वी कैन टॉक अबाउट मांगा, बट
एनिमे नहीं, एनिमे नहीं है वो, फिलर, फिलर के बारे में क्या ही बात कर रहे हैं, वो फिलर नहीं, ही होता वो है। फिलर की स्किप मारो भाई, 80% चलो फिलर ही है। एक रेट अजम्पशन लगाओ कि उसमें कितने फिलर, कितने परसेंट फिलर होंगे उसके अंदर, कुछ वाइल्ड गैस। भाई 80%, 83% फिलर हो चुका है वो चीज। समझ रहे हो, सीजनल बनाना चाहिए था ब्रो। हाँ सही में, आपने तो पढ़ा होगा अनाउंसमेंट, अभी उसमें सासकी रेत्सुडन आने वाली है और फेब के अंदर कोड की आग शुरू होने वाली है, सो फिलर थोड़े हटने वाले हैं, हल्के फुल्के हटने वाले कुछ टाइम के लिए, बस कुछ टाइम, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। बोर्डो फैन ज्यादा खुश मत हो, बोर्डो फैन होगा भी नहीं कोई, नारुतो फैन ही होगा सारे सारे, मतलब वही तो नारुतो देख के तो वो बोरुतो देखने जाते हैं, नारुतो को देखने के लिए, सासुके को देखने के लिए। अगर किसी ने बोला ना बोरुटोस डैड, मारूंगा साले कमेंट में आके, पहले कह रहा हूँ मैं, बोलना मत कि नारुतोस डैड मारूंगा, देख सही में मारूंगा तो मैं सही में मारूंगा तो। मेंटेन कैसे करते हो भाई सब कुछ? ये बस मैं बस ये सोचता हूँ कि काम हो जाए, चाहे मेरा खाना जाए, मेरी नींद ना हो, काम हो जाए मेरा पहले, मैं ये सोचता हूँ बस, मेन ये रहता है मेरा, जैसे कि पहले। हाँ यहाँ पर सुनो सुनो, एक जो तुमने एक बात बोला था कि जो क्रिएटर्स हैं नए नए लोग थोड़ा एनिमे के अंदर आएंगे, यू नो तुम जब नए नए थे तुम्हारे फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट वगैरह मिला था? नहीं, मेरा मेरा न्यूट्रल था, बिल्कुल न्यूट्रल था, मैं बिल्कुल न्यूट्रल था कि मतलब ऐसा है, मेरे भाई और मामा को मतलब सबको घर में पता है कि यूट्यूब क्या चीज़ है, उनको पता है यूट्यूब के बारे में, तो उनको पता है अगर उसमें ग्रोथ मिले या उसमें चीज़ हो तो अच्छा रहता है, बेनिफिट है, ऐसा नहीं कि वीडियो डालेगा तू तेरे मारे वीडियो या तो कुछ भी नहीं है, तो न्यूट्रल था। उन्होंने कुछ नहीं बोला कि तू एनिमी वीडियो क्यों बना रहा है या तू एनिमी वीडियो बना जाके, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। पर अब दिखते हैं तो मुझे बोलते हैं खाली बैठा स्क्रिप्ट लिख ले, बोला यार ये गलत बात है, मैं कर लूँगा जब मुझे करना होगा। चलो भाई सही है, बोलती हाँ बे गीगा चैट, मतलब आपने वीडियो देखी है, हाँ क्यों, मतलब वो वीडियो ही तो नहीं देखनी थी, वो ही तो नहीं देखनी थी, अब क्या देख रहा हूँ पिलो क्या सब कर रहा हूँ मैं, वो क्यों देख लिया कोई नहीं मैं, चलो ठीक है। I'm dead, bro. Oh my God. वही है, उनको समझ आ चुका है कि ये है, जैसे कि पिलो जब आया तो आपसे लोगों ने पूछा होगा कि क्या रिएक्शन हुआ आपके भी घर वालों का पिलो जब आया वगैरह, मुझसे बहुत पूछा, मैं साहब बोला कि भाई देखो उन्हें पता है कि कंटेंट के लिए, मैं उसका सोने नहीं वाला हूँ एक्चुअली में, वही एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, उन लोगों को पता चल जाता है ये काम करना है तो उसके बाद से कुछ, वही एग्जैक्टली उसमें कुछ वो नहीं होता, वही लॉन्डे पूछते रहते हैं ना भाई फैमिली का रिएक्शन क्या होता है जब ये पिलो देखते, नॉर्मल है उतना वो कुछ नहीं है। तो गाइस ये पॉडकास्ट इतना ही था, बहुत मजा आया भाई से बात करके, अब भाई बोलेंगे भैया नहीं बोलेंगे, और आप कुछ बोलना चाहोगे एंड में अपने होमीज को? हाँ भाई अच्छा लगा, एंड व्यूक को एकदम से हमेशा की तरह जैसे देते रहते हो, और व्यूक देता रहता सबको दूध, वैसे ही देते रहो एक दूसरे को, एंड ऑर्डर भी दे दिया दूध के लिए, ठीक है अब भेजवा दूंगा उनको ऑर्डर। चलो ये पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट, और जैसे मैंने बोला था मे बी फ्यूचर में और पॉडकास्ट भी आए, शायद से आए, भैया को भी खींच लेंगे किसी और पॉडकास्ट के अंदर फिर से, ठीक है। So, chalo guys, thanks for watching and I hope you enjoyed it.